आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के पहले सूर्य मिशन का नेतृत्व एक महिला वैज्ञानिक कर रही थी। इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी हैं, जिनकी टीम ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। निगार शाजी, जो कि इसरो की सीनियर साइंटिस्ट है, वो मूल रूप से तमिलनाडु के शेंगोट्टई की रहने वाली है। यहीं के एक साधारण सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। ये शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही। अदिति एलवन को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगार शाजी, वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति एलवन को। तो जाहिर सी बात है, विमेन एम्पावरमेंट, आप देख सकते हो इसरो में विमेन्स इस टाइम पे, यू नो, पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि विमेन्स को उस घर में रखा जाता है, विमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है। एक जो के इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं, और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं, और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं, और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है ये। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने तमिलनाडु के ही तिरुनेलवेली के एक कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए निगार शाजी ने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी एमटेक की डिग्री पूरी की। इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि इनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को ज्वाइन करने का मौका मिला। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में, भाई उनके पीछे किनका हाथ है? औरतों का। मर्द नहीं नजर आ रहे? इंडिया की लड़कियां, हम तीन औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स। यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है। चंद्रयान 3 में दो मुसलमान लड़के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेस में पूरा का पूरा, किस तरीके से पाकिस्तानी महिला, पाकिस्तानी पुरुषों का रिएक्शन है भारत में, इसरो में। जो भी आदित्य एलवन सन में हमने एक किसान के लिए एक मिशन लॉन्च किया, उसमें जो मुस्लिम वैज्ञानिक का नाम आ रहा है, मुझे शुरुआत से ही अंदाजा था जब मैंने ये न्यूज़ देखी थी, जब ये लीड कर रही थी हमारी महिला साइंटिस्ट, पाकिस्तान इस पर रिएक्शन देगा, और उनका रिएक्शन आया। तो भारत में किस तरीके से एक एजुकेटेड पर्सन इसरो में जाके इस तरीके के मिशन कर सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो किस रिलीजन, किस बैकग्राउंड से है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात, इसके बाद करते हैं इन हमारी साइंटिस्ट पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, ये जो मून मिशन और सन मिशन और स्पेस की इतनी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि कमाल के मिशन जो है वो जा रहे हैं, आपको पता है कि इसके पीछे सिल्क साड़ी या जैस्मिन फ्लावर्स की बात की जाती रही है। तो जो सिल्क साड़ी पहनने वाली खवातीन है और जो जैस्मिन के जो फ्लावर्स हैं बालों में फूल लगाकर जो है आपको तस्वीरें नजर आती हैं खवातीन की, लगता है कि बड़ी नाजुक सी ये खवातीन है, और ये जो औरतें हैं ये बड़ी मतलब घर में बैठी रहने वाली फूल की पंखड़ी सी, और वैसे भी क्योंकि मून मिशन गया है तो हम कहते हैं ना कि चांद सा चेहरा और फूल की कलियों सा चेहरा। तो जो औरतें होती हैं, जो खवातीन हैं, जो विमेंस हैं, उनको आमतौर पर आप अगर देखिए उर्दू पोइट्री में या शायरी में, हिंदी पोइट्री में, उनको इसी तरह लिया जाता है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें आप 25% ऑफ इसरोज ओवर 16,000 एम्प्लॉयज विमेंस जो है वो 25% हैं 16,000 एम्प्लॉयज में। इस वक्त हम जिन खवातीन की बात कर रहे हैं वो ना तो अपने बालों में फूल लगाती हैं, जैस्मिन की हो, गुलाब की हो, किसी भी चीज़ की हो, या ना ही वो सिल्क साड़ियाँ पहनती हैं। आमतौर पर जब वो अपने ऑफिस में यानी कि इसरो में काम करने आती हैं तो वो कॉटन की साड़ी में नजर आती हैं और बहुत ही सादा और विदाउट मेकअप उनका फेस होता है। और वैसे भी हमने देखा है कि इंडिया की जो खवातीन है आम, यानी अगर आप बॉलीवुड से बाहर निकलें तो उनका जो रहन सहन और स्टाइल है वो मेकअप वगैरह या इस तरह का वो खास इतना नजर नहीं आता। ये बड़ा फर्क हमें नजर आता है पाकिस्तान और इंडिया में। वो निगार शाजी इनका नाम आ रहा है। अब निगार शाजी जो हैं वो बहुत ही कमाल की खातून है, और ये जो आदित्य एलवन लॉन्च किया गया इसकी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और आपने देखा होगा कि जब वो कामयाबी से अपनी उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां पर क्लैप होता है और फिर जो उनके चेयरमैन हैं इसरो के सोमनाथ, वो खड़े होते हैं, वो स्पीच करते हैं, तो उन्हीं के साथ एक खातून जो खड़ी होती है वो उनके साथ, वो सिर्फ खड़े होते हैं और खातून जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाजी वो स्पीच करती हैं और बताती हैं कि क्या इसका सारा जो है ये आदित्य एलवन सोलर मिशन जो है गया का। एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं, और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं, और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं, और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है ये।
एक किसान की बेटी हैं, फिर उन्होंने किस तरीके से तालीम हासिल की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे उनको दाखिला मिला, वहां पर उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। तो आप ये देखिए कि मैं जब इन खवातीन पर नजर डाल रही हूँ तो इनमें सब की सब की जो तालीम है वो इंडिया की है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही ऐसी औरतें नजर नहीं आ रही कि जो बाहर जाके जो है वो उन्होंने वहां पर तालीम हासिल की है, फिर वो नहीं, सबकी तालीम जो है वो इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की है, स्कूल्स की है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं, इससे एक और एंगल निकलता है इस बात का, इस टॉपिक का, कि आप ये देखिए कि वहां के स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो मायार तालीम है, जो एजुकेशन लेवल है वो कैसा है, कि जो इस वक्त स्पेस एजेंसी जिसको जिसकी नासा तारीफ कर रहा है और कहा जा रहा है कि अब ये बीट कर देगी इसको और इसको और इस स्पेस एजेंसी को, उसके जो पढ़ने वाले यानी कि जो इस वक्त काम करें वो कहाँ से पढ़ के निकले हैं, कहाँ के पढ़े लिखे हैं उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज के। अच्छा जी, फिर वन ऑफ इसरोज मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स अनुराधा टीके हैं और वो जो है फर्स्ट वुमेन सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1982 में ज्वाइन किया, स्पेशलाइज्ड इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नंदिनी हरिनाथ हैं और वो डेप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर्स फॉर द मार्स ऑर्बिटर मिशन हैं जी, मार्स की ऑर्बिटर मिशन की जो है वो नंदिनी हरिनाथ, क्या बात है, कमाल है। मंगलयान आ रही हूँ, वुमेन्स फ्रॉम मार्स कहा जाता है इनको, श्रीवास्तव ने ये बताया। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में स्पेस मिशन में भाई उनके पीछे किनका हाथ है, औरतों का, मर्द नहीं नजर आ रहे, इंडिया की लड़कियां खवातीन औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स, सोचें आप क्या कमाल बात है। तो मोर देन 50 वुमेन साइंटिस्ट वर इन्वॉल्व इन द चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स, कि लड़कियों को भी आप पढ़ने के लिए इंडिया भेजिए, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में कुछ इस तरह का इंटरेक्शन शुरू करें कि कुछ इस तरह की चीजें हों जिससे उनको वहां की अब इसरो स्पेस एजेंसी में जाने का मौका मिले और वो वहां से इसकी स्पेस की जो तालीम हासिल करें, वहां की जो ये जिनके मैंने नाम लिए हैं और जो और बहुत सारी हैं, वहां पर अपनी लड़कियों को, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजिए प्लीज। तो इसरो में जो 30-40% इंजीनियर्स हैं वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है और इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन सन जो लॉन्च किया गया है उस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रही है वो भी वुमेन है और मुस्लिम वुमेन है। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जिस तरीके से आपने बोला कि अदिति एलवन की जो उसको हेड कर रही थी, जो उसको लीड कर रही थी, शी वाज अ वुमेन, तो दिस इज द बेटर एग्जांपल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है डिफरेंस आजकल लोग देख रहे हैं, आजकल क्लियरली जो है वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में किस तरीके की स्कीम्स है, किस किस तरीके से वुमेन्स को, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। तो दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे अदिति एलवन की, तो वहां पे भी जो है यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज मेजोरिटी सब पिस चुके हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबको इस्लाम की फतवाएं दे देकर उन्होंने बस इस्लाम को एक वो बनाया है सुरक्षा कवच के। अदिति एलवन को भी लीड करने वाली आशा जी वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति एलवन को, तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इस रो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में, तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है, लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं प्रोपेगेंडे कर रही है, मस्जिद में वाज होते हैं, और वही मौलाना जो एक लड़की छोटी बच्ची के साथ रेप या मोलेस्टेशन मतलब कर सकते हैं, ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं, उन्हीं मौलानाओं को पाकिस्तान के लोग जो है अपना वो रहबर समझते हैं, उन्हीं मौलानाओं को जो है वहां पे जो है उनको उनको अपना टीचर समझा जाता है। तो मैं इतना कहूंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कंपेरेबल नहीं है। इंडिया की अगर बात करें मैं ये क्लियरली कहता हूँ। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में पाकिस्तान की तरफ से बात हो रही थी भारत की ये महिला के बारे में, आपने देखा कि इनका बैकग्राउंड कितना हम्बल है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और किस तरीके से ये इसरो तक पहुंची। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर काबिलियत है, आप सच्चे लगन से अब मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली इस तरीके के मिशन तक पहुँच सकते हो। आपका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता, हालांकि ये चीज़ भी है कि लक भी मैटर करता है, आपको सही दिशा ले जाने में लक बहुत मैटर करता है। कई लोग बहुत होशियार रहते हैं लेकिन कभी वो उस तरीके की अचीवमेंट नहीं पा पाते हैं जिस तरीके की वो डिज़र्व करते हैं। आपने अपने आसपास देखे होंगे कई आपके साथ के बच्चे, मैंने तो अपने साथ के बच्चे इतने होशियार होशियार बच्चे देखे और बैक बेंचर देखे, आज बैक बेंचर बहुत सक्सेसफुल हैं, और जो मेरे क्लास के बच्चे थे मतलब आप समझें कि 90% वाले वो अभी भी जॉब तलाश रहे हैं, अभी भी अपनी ड्रीम जॉब तलाश रहे हैं, और जो कम परसेंटेज आते थे वो कहीं बिजनेस करके या कुछ भी करके वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, शादी कर चुके हैं। तो ये होती है किस्मत, और
ठीक है, पाकिस्तानी महिलाओं को एक चीज़ या पाकिस्तान के लोगों को, जो लोग बोलते हैं भारत में मुसलमानों के साथ ये वो फलाना ठिकाना, तो देख लो भैया ये चीज़ है भारत में, एजुकेटेड मुस्लिम महिला कहाँ पहुँच गई। ये एग्ज़ाम्पल तो खैर अब्दुल कलाम आज़ाद से ही, वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तो वो कहाँ आज आप देख सकते हो उनकी क्या वैल्यू है भारत में, कितना उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे लगता है उनसे मुस्लिम से ज़्यादा उन्हें हिंदू प्यार करते हैं, ये बात मैं गारंटी से सच, ये मतलब सॉरिटी से बोल सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा सच है। और जिस तरीके से आप देख सकते हो इन मुस्लिम महिला का नाम हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा अचीव करेंगी भारत में नाम, जिस तरीके से आगे जा रही हैं। और पाकिस्तान में ज़्यादातर महिलाएं बेचारी, एक तो मैंने एक वीडियो देखी एक यूथ की, वो बता रहा है बुरखा और ये वो फलाना ठिकाना, तो इससे ऊपर वो निकल ही नहीं पाए हैं, उनको बस इस्लामिक तरीके से ही जीना है, दुनिया में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, दूसरों की टेक्नोलॉजी के भरोसे जीना है। हसन निसार, हालांकि हसन निसार का मैं फ़ैन नहीं हूँ, वो एक चीज़ कहते हैं कि दुनिया की अभी लास्ट 1000 साल की हिस्ट्री में मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और आने वाले 1000 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई खास कंट्रीब्यूशन रहने वाला है ना, कोई खास कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। हालांकि इंडिया से कोई मुसलमान कर सकता है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब इन्हीं लेडी को देख लो आप। आपको क्या कहना है इस टॉपिक?